हेलो टू माय पाइसेस मीन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16 जून टू 30 जून क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके पर्सनल लाइफ में और ओवरऑल लाइफ में। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को और उसके बाद हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ को, ठीक है। सो पहले हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए। एंड प्लीज़ गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे मीन राशि वालों के लिए क्या होंगी इस 16 जून टू 30 जून, और क्या एक्शन वो लेंगे मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स। प्लीज़ गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। The Empress. Okay. ओवरऑल एनर्जी सिक्स ऑफ कप्स की ज़रूर है, लेकिन एक्शन में मुझे नहीं दिख रहा कि इंसान एक्शन लेंगे। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी। डिवाइन मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ओके, आपके पार्टनर के साइन जो हैं वो हो सकते हैं टॉरस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ठीक है। ये इंसान इस टाइम आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि आप जो हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं, ठीक है। ऐसी की एनर्जी बहुत नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, एक मदरली एनर्जी है आप में, मतलब आप इतना प्यार आपके अंदर है, इतना प्यार आप देते हो, ऐसी की एनर्जी है आपकी, ठीक है। आपको ऐसे एक इंसान के रूप में ये देखेंगे तो आपसे हाईली अट्रैक्टेड होंगे इंसान, और इनको ऐसा लगेगा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको जो भी इंसान देखेंगे वो आपसे अट्रैक्टेड होंगे, ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी आपके लिए, ठीक है। ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाना चाहेंगे, आपको प्रोवाइडर आपके लिए बनना चाहेंगे, जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो प्रोवाइड करेंगे। जो भी चीज़ें का मतलब ये है कि अगर आपको ये टाइम एफर्ट्स नहीं दे रहे थे, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपको नहीं कर रहे थे, या फिर कहीं भी लैकिंग थी अगर, तो ये इंसान अब आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान रिस्क टेकर नहीं होंगे, मतलब कोई रिस्क आपके लिए लेना नहीं चाहते हैं। ना आपकी ज़िंदगी में ये इंसान कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, ना ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे जो हैं अलग अलग इंसान से मैरिड है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये इंसान जो है प्रोवाइडर ज़रूर बनेंगे आपके, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में चाहिए वो इस रिश्ते में प्रोवाइड ज़रूर करेंगे, लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहते ये इंसान, ठीक है। ये बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं, इनकी इम्पेशेंट एनर्जी जो है वो ऑब्स्टेकल हो रही है, इनको पता है कि अगर ये इम्पेशेंट होंगे तो शायद चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सो इसलिए इंसान जो है पेशेंसली वेट कर रहे हैं आपका, ऐसा लग रहा है मुझे। एक्शन में मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को सिक्योरिटी चाहिए आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहिए इस रिश्ते में, और ये इंसान
मे बी आपने इनको बोला होगा कि इनके चलते आपका करियर खराब हो रहा है, ऐसा कुछ बोला होगा। सो ये इंसान आपको फ्रीडम देना चाहते हैं, आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं ताकि आप अपने करियर पे फोकस्ड होके अपने ऊपर काम कर सके। और ये इंसान भी एक्शन में मुझे अपने ऊपर काम करते दिख रहे हैं, ठीक है, अपने फाइनेंस पे काम करते दिख रहे हैं, मुझे इनकी तरफ से एक्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी है वो रीयूनियन की है, ये चाहते ज़रूर हैं आपसे बात करना, आपसे रीयूनाइट करना ज़रूर चाहते हैं, एक इक्वालिटी चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ओ माय गॉड, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, ओ गॉड, मैरिज चाहते हैं, और एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक जस्टिस देना चाहते हैं। और निकालूं कार्ड्स, सो ये इंसान बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अपने 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 अंदर पेशेंस बनाए रखा है इन्होंने, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी जो दिख रही है मुझे, आपको ऐसा लग रहा है कि बस ख़त्म हो गया रिश्ता और कुछ नहीं है अब इस रिश्ते में, बहुत लॉस की एनर्जी आपकी है। आप जो है इस इंसान को देख के ही खड़े हो, चेस कर रहे हो मे बी इस इंसान को, इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इनके सोशल मीडिया पे, इनके इनके घर पे, इनके टेरेस पे, यू नो, इनके सोशल अकाउंट्स पे, बहुत चेजिंग वाली एनर्जी आपकी है ऐसा दिख रहा है मुझे। आप कहीं ना कहीं लॉस की एनर्जी में हो, कुछ ना कुछ लेसन्स आपको लर्न करने हैं जो कि आप नहीं कर रहे हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड, द हर्मिट का कार्ड, वो ऑब्स्टिकल में है। और एक चीज़ ये भी है कि आपको लगता है कि इस इंसान के आपके लाइफ में रहने से आपके लाइफ में एक रोशनी रहती है, अभी आपके लाइफ जो है वो अंधेरा है। भले ही आपकी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें होंगी लेकिन फिर भी वो अंदर से सेटिस्फैक्शन, वो खुशी आपको नहीं है ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो थोड़ी एक लॉस की एनर्जी हो सकती है। एक्शन मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है, आप इस इंसान को ऑफर कर सकते हैं, आप इस इंसान को कॉल मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। सो आपकी तरफ से एक्शन जाता मुझे दिख रहा है। अगेन ओवरऑल जो एनर्जी है वो द चैरियट की एनर्जी है। सो आप इस इंसान के टूवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं बहुत बैलेंस्ड वे में, ऐसे ऐसे एक्शन लेना चाहते हैं जैसे कि आपको हर्ट ना करे। ठीक है, डिफेंसिव भी होते दिख रहे हो आप हर्ट होने से बच रहे हो ये भी दिख रहा है, लेकिन आप इस इंसान के टूवर्ड्स एक्शन लेते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप वेट करते करते बहुत हो गया, अब आप ही खुद एक्शन ले लें अपने तरफ से और चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि चीज़ें अभी भी सही हैं या यू नो ये इंसान आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। ऐसी कुछ क्लियरिटी के लिए मे बी आप कॉल कर सकते हैं इनको। और ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके मन में रहेगी इनके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी रहेगी, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप इनके लिए फील करोगे, बहुत रोमांटिक एनर्जी आपकी रहेगी इनके लिए, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इमोशनल और रोमांटिक एनर्जी आपकी होने के कारण जो है आप इनके टुवर्ड्स एक्शन ले सकते हो इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन इस टाइम पे, वन मोर टाइम प्लीज। गोइंग विद द फ्लो, जैसा चल रहा है गोइंग विद द फ्लो में रहें, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो आप भी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहेंगे और ये इंसान भी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। द आउटसाइडर, आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों की ज़िंदगी में एक दूसरे की कोई जगह नहीं है, आप दोनों को ही ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए आउटसाइडर हैं। इनर वॉइस को अगर आप इस टाइम नहीं फॉलो कर रहे हो तो आप एक दूसरे से दूर हो सकते हो इस टाइम पे। आपको ज़रूरी ये है कि आपकी इनर वॉइस, आपकी आत्मा क्या कह रही है आपसे, आपको उसको सुनने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको समझनी है, ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपको करना है, जो आप नहीं कर रहे हो, जिसके चलते सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। सो आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए इस टाइम। ठीक है, उस पर एक्शन लें आप। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। अब हम देखेंगे बाकी के मेरे जो मीन राशि वाले हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्ट। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे मीन राशि वाले जो कॉन्टैक्ट में हैं, जो मैरिड हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनके पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। One more time, please. 16 June to 30th June. Beautiful.
ओवरऑल जो एनर्जी है वो सन की है, सो पॉजिटिव रहेगा जो भी रहेगा और खुशियाँ रहेंगी। थोड़ी सी एनर्जी अप डाउन हो सकती है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होंगी। जो कॉन्टैक्ट में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि वो इंसान सिर्फ इस रिश्ते में एफर्ट लगा रहे हैं और आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लग रहा है। बार बार वो कॉल कर रहे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं, वही एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपकी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते इनको एग्जॉशन वाली एनर्जी रहेगी, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, या फिर इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ये आपको टाइम और एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं अपनी, और जिसके चलते इनको ऐसा लगेगा कि ये बर्डन हो रहे हैं आपको लेके, अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, अपने और लाइफ के और भी जो चीज़ें हैं उनको लेके, इनको बहुत एग्जॉशन वाले एनर्जी फील होगी, मुझे ये लग रहा है। मैरिड जो है आप उनके आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि वही एफर्ट्स लगाते हैं हमेशा आपको खुश रखने का, आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, और आपकी तरफ से वो एनर्जी वो नहीं देखते हैं। तो इस टाइम आपके पार्टनर जो है वो रुकेंगे और आपको देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो इस रिश्ते में, आप कितनी एनर्जी लगा रहे हो, आप क्या एफर्ट्स ले रहे हो उनको खुश रखने का, या फिर उनकी खुशी का कितना ध्यान आप रख रहे हो, ये सारी चीज़ें वो देखने की कोशिश करेंगे और रुक जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, अब उनको आपकी तरफ से एफर्ट्स चाहिए। सो थोड़ा सा कंपेयरिंग वाला एक हो सकता है कि मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करती हूँ वाली एक चीज़ हो सकती है आपके बीच। ठीक है, उनको फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए बेसिकली। ठीक है, आपके साथ एक खुशियाँ चाहते हैं जो कि वो वेट कर रहे हैं कि आप एफर्ट्स लगाएं। ओके, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपके क्रश इस टाइम आपको प्रपोज कर सकते हैं, या फिर कोई ना कोई ऑफर दे सकते हैं, या फिर आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन वो ले सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। सिंगल्स अगर आप देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ सकते हैं जो कि बहुत इमोशनल होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे और अपने लॉन्ग टर्म रिश्ता आपके साथ निभाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो सकता है जो भी इंसान अभी आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी सन की एनर्जी है, सो अप एंड डाउन ज़रूर होंगे लेकिन चीज़ें इस टाइम बहुत बेटर होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अब हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेशन। प्लीज़ गाइड मेरे मेन राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम पे। Please guide my dear angels, talk to me please. Talk to me please my dear angels. क्या blessings आ रहे हैं मेरे main राशि वालों के लिए, कौन से new doors open हो रहे हैं और क्या outcome receive करेंगे मेरे main राशि वाले इस time का। 16 June to 30th June, one more time please. ओवरऑल एनर्जी जो है वो गिल्ट की एनर्जी है। ठीक है, गिल्ट की एनर्जी है, मेंटल इमोशनल थोड़ा सा ड्रेन्ड फील कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। ओके, सो ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत इमोशनल जहाँ थे आप वहाँ एक जजमेंट आपको मिल सकती है। ये कोई पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या फिर जहाँ भी आप कुछ चीज़ों को लेकर इमोशनल थे और आपको लग रहा था कि चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही हैं, वहाँ चीज़ें मुझे बेटर होती दिख रही हैं। ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे और बहुत फीलिंग्स और बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप अगर आप किसी के साथ फील कर रहे थे और वो इंसान इतना एफर्ट नहीं लगा रहे थे अगर इस रिश्ते में, तो इस टाइम वो इंसान एफर्ट लगाने के लिए रेडी होंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो एक जजमेंट आपके लिए ज़रूर आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एक फॉरगिवनेस आ रहा है आपके लिए। सो बेसिकली आप चाहते हो कि कोई इंसान आपको आके सॉरी बोले, अपनी गलतियों को माने, रियलाइजेशन करें कुछ चीज़ों का, जो कि मुझे होता दिख रहा है इस टाइम पे ओवरऑल एनर्जी। ओके, करियर में मुझे दिख रहा है कि इनसिक्योर हो रहे हैं अगर आप करियर को लेके, तो वहाँ एक स्टेबिलिटी आ रही है। ये स्टेबिलिटी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है फॉर श्योर।
पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो एक स्टेबिलिटी ज़रूर आ रही है और बहुत पैशनेटली आप काम करोगे, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशन होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे थे, आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं अपने करियर को लेके, कोई दो जॉब के बीच या फिर कोई दो ऑफर्स के बीच आप अगर कन्फ्यूज थे, तो कोई एक क्लैरिटी आपको मिलेगी और एक स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, जो भी चीज़ आप चूज़ कर रहे हो उसमें एक स्टेबिलिटी आती मुझे दिख रही है, ठीक है। हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप कंफ्यूज थे कि आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई हेल्थ इश्यूज हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे कोई सिम्टम्स को देख के, तो अभी इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें जो है वो रिकवर होंगी और हेल्थ आपका बेटर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई इलनेस थी, तो वहाँ रिकवरी होगी मुझे ये दिख रहा है, और कहीं ना कहीं हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती दिख रही है मुझे बहुत अच्छे लेवल में, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअली आपको कुछ प्रैक्टिसेस करने हैं, कुछ अवेकनिंग के कुछ प्रोसेस हैं जो कि आप लेना नहीं चाहते हो, जो कि रिस्क लेना आप नहीं चाहते हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपको पता है कि ये चीज़ें जो है थोड़ी सी डेंजर हो सकती है, इसलिए आप रिस्क लेने की के लिए तैयार नहीं हो ऐसा लग रहा है, वो ऑब्स्टिकल है। अगर आपको लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी रुक रही है आपके डर की वजह से कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो कोई गुरु को आप गुरु दीक्षा ले सकते हो या फिर किसी गुरु के अंडर में अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस को आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। इस टाइम का आउटकम क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने बहुत सारे विश को फुलफिल करने में आप बहुत मेहनत करेंगे। एक नहीं है विश आपकी, आपके बहुत सारे विशेस मुझे देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे विशेस हैं जिसको कि फुलफ़िल करने में आप बहुत हार्डवर्क करने वाले हो, मुझे ये दिख रहा है, और आपका हार्डवर्क जो है वो आपको पे ऑफ करेगा, मुझे ये भी दिख रहा है। तो जो भी विशेस आपकी थी जिस पे आप काम कर रहे थे, वहाँ मुझे आपकी विश ग्रांट होती दिख रही है, ठीक है, विश आपकी फुलफ़िल होती दिख रही है मुझे। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी थोड़ी सी डिप्रेसिव है, थोड़ी सी मेंटली या इमोशनली आप ड्रेन्ड फील करोगे, या फिर गिल्ट की एनर्जी रहेगी, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत कर रहे हो, ऐसी की एनर्जी रहेगी, ठीक है। अगेन बहुत सारे विश आपके फुलफिल होते दिख रही है मुझे इस टाइम पे। ये विश बहुत बड़ी विशेस नहीं हो सकती, लेकिन छोटे छोटे जो विशेस थी वो आपकी फुलफिल होते मुझे दिख रही है, ठीक है। हायरोफेंट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप जो हैं कुछ ऐसा सीख रहे हो जो कि आप आगे दुनिया को लेसन्स, मतलब होता ना कि ज्ञान देने के लिए आप रेडी हो रहे हो ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जी से। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है, हम ये चेक कर लेते हैं। प्लीज गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। एक गुरु की तरह आप आगे आ रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है, एक गुरु की तरह कुछ ऐसा सीख रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो आप जिससे कि आप लोगों को गाइड कर पाए, एक गुरु ज्ञान देते हो मुझे दिख रहे हो, ठीक है। गाइडेंस फॉर माय पाइसेस, माय डियर एंजल्स, फॉर देयर पर्सनल लाइफ। One more time, please. Soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. Okay, कहीं ना कहीं आपकी light body awakening का time है ये, light codes जो हैं वो activate हो रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। सो कहीं ना कहीं आपके सोल्स में जो भी स्कार्स थे वो रिमूव हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ रही है और आपको समझ में आ रहा है कि कनेक्शन क्या है, ठीक है। आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ क्या है, आपका कनेक्शन बाकी लोगों के साथ क्या है, आपका कनेक्शन इस एनवायरनमेंट में क्या है, यूनिवर्स में क्या है, चीज़ों को आप बहुत कॉन्शियसली आप समझने की कोशिश कर रहे हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। और अगर नहीं समझ रहे हो तो आपको गाइडेंस ये है कि आप समझें अपनी जर्नी को, ओके ओके। ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस दे डिवाइन, ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये है कि जो आप गिल्ट के एनर्जी में होना, हैवीनेस जो फील कर रहे हो आप, जिनसे भी आपको लगता है कि ग्रजेस आपने मन में रखे हैं अपने, पहले तो उनको फॉरगिव करें, और अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेट करके आप उस हैवीनेस से निकल पाओगे तो कम्युनिकेट करें, चाहे ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए हो या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, आपके बॉस के साथ हो या आपके हस्बैंड के साथ हो या आपके पार्टनर के साथ हो, किसी के साथ भी, जिसके साथ भी आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत हैवीनेस आप फील कर रहे हो जिसको लेके, उनके साथ क्लियर कम्युनिकेट करें और अपनी जो हैवीनेस है उसको रिलीज करें, ठीक है। जो भी बात करें वो बहुत प्यार से बात करने की ज़रूरत है आपको, आपको गाइडेंस यही मिल रही है। स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड,
बहुत प्यार से बात करें, अपने बातों को बहुत प्यार से आगे रखें और सामने वाले की बात को भी बहुत प्यार से सुने, आपको ये गाइडेंस है, ठीक है। सो माई डियर पाइसिस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।